दिल्ली सरकार के दो कैबिनेट मंत्रियों का इस्तीफा, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने किया मंत्री पद से रिजाइन। गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया, शराब नीति केस में सीबीआई रिमांड पर हैं सिसोदिया। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू, जोधपुर में वकील की हत्या, नेटबंदी समेत कई मामलों की सदन में गूंज। शहीद स्मारक पर शहीद वीरांगनाओं के साथ किरोड़ी लाल मीणा का धरना जारी, राज्य सरकार से वीरांगनाओं के लिए की पैकेज की मांग। करौली में एसीबी की कार्रवाई, पटवारी श्याम सिंह को किया ट्रैप, वहीं झालावाड़ में प्राइवेट बीएड कॉलेज में छात्रों से वसूली का किया भंडाफोड़। सिरोही के जिला अस्पताल में मां के पास सो रहे एक माह के बच्चे को उठा ले गए कुत्ते, नोच नोच कर मासूम को मार डाला। श्याम की नगरी में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, 16 किलोमीटर तक लगा भक्तों का रैला, बाबा के जयकारों से गूंजी खाटू नगरी। होली से पहले मौसम में बदलाव के संकेत, मौसम विभाग ने बारिश और आंधी का जारी किया अलर्ट, जैसलमेर सहित कई इलाकों में बूंदाबांदी। राजधानी जयपुर में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने से जुड़ा प्रकरण, अधिवक्ताओं ने आज भी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में दो बसों में लगी आग, मौके पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। सरिस्का टाइगर रिजर्व से आई खुशखबरी, बाघिन एसटी 14 ने दो शावकों को जन्म दिया, कैमरे पर दिखाई दिए दो नवजात शावक। नागौर में हत्या के प्रयास के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया, पुलिस ने मुख्य आरोपी सकूर खान को गिरफ्तार किया। सिकराय के घूमना गांव में फायरिंग का मामला, पुलिस ने 5 बदमाशों को अरेस्ट किया, कार और अवैध देशी पिस्टल भी जब्त। बूंदी के नैनवा में बे स्टेट हाईवे 34 पर गौ सेवकों ने जाम लगा दिया, जमीन के आवंटन की मांग कर रहे गौ सेवक। भीलवाड़ा में पुष्प महोत्सव आयोजित किया गया, लुप्त होते फूलों से नई पीढ़ी को परिचित कराने के लिए महोत्सव का आयोजन हुआ। जयपुर के चाकसू में सरकारी कॉलेज को कोट खाबदा कस्बे में बनाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, विधायक के खिलाफ नारेबाजी की गई। सीकर में अभिभाषक संघ ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया, अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल सहित जोधपुर हत्याकांड को लेकर कठोर कार्रवाई की मांग। जोधपुर की सरदारपुरा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बाइक चोर गिरोह का खुलासा, 30 बाइक जब्त। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय संगोष्ठी का उद्घाटन, मुख्य अतिथि सांसद रामचरण बोहरा, पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। उदयपुर के हिरण मगरी थाना क्षेत्र में नगर निगम के सामुदायिक भवन में अचानक आग लग गई, आग लगने से वहां रखा टेंट का सामान जलकर खाक हो गया। नागौर के रियाबड़ी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन, बैठक में 3 मार्च को रियाबड़ी शहर में निकाले जाने वाले हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर चर्चा हुई। रियामड़ी में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने पटवारियों की बैठक ली, बैठक में राजस्व विभाग से संबंधित लंबित प्रकरणों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए। नागौर के रियामड़ी में अवैध बजरी स्टॉक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ग्राम पादू कलां की नाड़ी से 100 टन अवैध बजरी के स्टॉक को जब्त किया गया। श्री विजयनगर में शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ, जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री बजट घोषणा का क्रियान्वयन करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। नागौर के मेड़ता सिटी में पुलिस की कार्रवाई, करीब 4 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया, 2 आरोपी गिरफ्तार भी किए। एक्टर इमरान जाहिद और श्रुति सौझी जैसे एक्टर्स की फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं की रिलीज डेट आई सामने, फिल्म 12 मई को रिलीज होगी। खेतों में काम करती मां की तस्वीर शेयर कर कंगना रनौत ने साधा बॉलीवुड पर निशाना, बोली वो घंटों खेत में काम करती है। लियोनेल मेसी ने दूसरी बार जीता फीफा का द बेस्ट प्लेयर का अवार्ड, फ्रांस के किलियन एम्बापे और करीम बेंजेमा को हराकर अवार्ड अपने नाम किया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लगेगा सचिन तेंदुलकर का स्टैचू, नवंबर में वनडे वर्ल्ड कप के दौरान होगा अनावरण। फॉलो ऑन के बाद भी इंग्लैंड को 1 रन से हराकर न्यूजीलैंड ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में ऐसा कमाल करने वाली तीसरी टीम बनी।